तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। टाखा बना के मस्जिद बना लिया गया है, पिलर सब मंदिर का ही है। पूरे बनारस से मुसलमान शुक्रवार को जुम्मा को नमाज पढ़ने के लिए आते। काशी विश्वनाथ जैसे भी बड़ा वैभवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण मंदिर हुआ, इसी स्थल पर भगवान शंकर ने गजासुर राक्षस का वध किया था। मंदिर मस्जिद दोनों रन कर रहा है, मस्जिद में नमाज होता है, इधर मंदिर में पूजा पाठ होता है। पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये मंदिर होने वाला है कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी का, और ये एक ऐसा मंदिर है कि जो कि बनारस वाले भी नहीं जानते इस मंदिर को। ये बनारस का पहला ऐसा मंदिर है जो कि औरंगजेब ने यहाँ तोड़ा था। उसने बनारस के बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया था अपने शासनकाल में, और ये पहला ऐसा मंदिर है जो उसने से पैर ध्वस्त किया था। दर्शन करवाते हैं कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी के। दोपहर के 4 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण के बाहर हम खड़े हैं और अभी मंदिर बंद है, मंदिर का वेट कर रहे हैं खुलने का। तो मंदिर से खुलते दर्शन करवाएंगे आपको हम कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी की। मेन बात क्या है कि यहाँ पर मस्जिद के सामने ही मंदिर है कीर्ति वाशेश्वर का। जी हाँ, यहाँ एक तरफ यहाँ मस्जिद और दूसरी साइड है आपको मिलेगा कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी का। ये बहुत ही पुराना मंदिर जो अब मंदिर नहीं खंडहर बन चुका है। तो आइए दर्शन करवाते हैं बिना किसी देरी के। देख सकते हैं दार नगर में आपको आना होगा और इन गलियों के माध्यम से आप दर्शन करेंगे। विश्वनाथ महादेव जी का यही मंदिर है आप देख सकते हैं, और ये जो मंदिर है ये है कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी का। देख सकते हैं दरवाजा बंद है और ये घर के अंदर मंदिर बना हुआ है। आइए दर्शन कराते हैं, पहले गेट खुलवाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंदिर है बिल्कुल मस्जिद के सामने, और ये एक घर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए आपको दर्शन करवाते हैं हम कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी का। सावन का महीना चल रहा है, महादेव की सभी मंदिरों में श्रृंगार चल रहा है। ये आप देख सकते हैं ये है कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो बस अब इतने तक में ही सीमित है। ये जो आप देख सकते हैं चबूतरा बना हुआ है, बस चौतरे तक ही हमारे महादेव का मंदिर सीमित है, और मंदिर के जस्ट सामने ही है ये एक मस्जिद। तो पहले दर्शन करिए आप हमारे महादेव जी का। ये है वो मस्जिद जो कि इतना वायरल हो चुका है क्योंकि मंदिर के ठीक सामने ही है। ये पूरा आप गाइस कॉरिडोर देख सकते हैं, एकदम खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। और ये मस्जिद देख सकते हैं, कमल के फूल बने हुए हैं। ध्यान से थोड़ा देखिए, समझ आपको आएगा। यहाँ पर कमल के फूल और हाथी बने हुए, यानी जो दर्शाते हैं हमारे हिंदुओं मस्जिद बने हुए खंभों को। यहाँ हर शुक्रवार को नमाज भी पढ़ी जाती है। एक तरफ है मंदिर और दूसरी साइड है मस्जिद। ये आप देख सकते हैं ये पूरा मस्जिद आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ भक्तगढ़, जिनको जिनको जानकारी होती जा रही है महादेव की इन मंदिरों का, वो जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पर अभी भी कितने बनारसवासी हैं जिनको पता ही नहीं है इन मंदिर के बारे में, क्योंकि ये मंदिर रहस्यमय बन चुका है। ये आप देख सकते हैं एकदम खंडहर के रूप में तब्दील है ये मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने। गाइस ये जो मंदिर है, औरंगजेब जब काशी में आया, बनारस में आया, तो उसने बहुत सारे शिव मंदिरों को ध्वस्त किया, जिनमें से ये पहला मंदिर होने वाला है कीर्ति वाशेश्वर महादेव जी का, जो कि आज एकदम खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं ये घर के अंदर में अभी आई प्रवेश किया मैंने, और मुझे सामने मस्जिद दिखा और एक साइड मुझे दिखा मंदिर हमारे महादेव जी का, और किस बुरी हालातों में है। इन बुरी हालातों से हमें अपने महादेव को बाहर निकालना है। आप लोग इतना इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग भी बनारस वाले हैं या बनारस के बाहर वाले हैं वो आए इन मंदिरों पर भी ध्यान दें और महादेव को इस स्थिति में से बाहर निकालें। काशी के 3 प्रमुख मंदिरों को औरंगजेब ने ध्वस्त किया, कीर्ति वाशेश्वर, काशी विश्वनाथ, बिंदु माधव। सर्वप्रथम इसी मंदिर को ध्वस्त किया, क्योंकि यह काशी विश्वनाथ जैसे भी बड़ा वैभवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण मंदिर हुआ करता था। देश की अकेली मंदिर है जिसका पूजन अर्चन एक दिन भी रुका नहीं। काशी विश्वनाथ ध्वस्त 115 वर्षों के बाद महारानी अहिल्याबाई बगल में बनवाई, तब पूजन अर्चन प्रारंभ हुआ। औरंगजेब ने जो तथाकथित तोड़ के फुहारा बनाया, उस फुहारे को भी शिवलिंग मान के हम लोग के पूर्वज पूजन अर्चन करते थे। इसका उल्लेख काशी के इतिहास के बारे में 2 पुस्तक निकलती है, वाराणसी वैभव पंडित कुबेर नाथ जी शुक्ल ने लिखा है, काशी का इतिहास डॉक्टर मोती चंद जी ने, उसमें उल्लेख है।
देश की अकेली मंदिर है जिसका पूजा दर्शन एक दिन भी रुका नहीं। विश्व का सबसे लंबा आंदोलन राम जन्मभूमि का चला। 500 वर्षों के बाद लाखों लोगों की कुर्बानी लेने के बाद अब बाबा विराजमान हुए। लेकिन ये बाबा की महिमा है कि हम लोग एक भी थप्पड़ खाए नहीं है, जेल भी नहीं गए, जमानत भी नहीं कराना पड़ा। थाने द्वारा हमेशा 116 लगाई जाती है, मजिस्ट्रेट से जाके बताया जाता है, मजिस्ट्रेट कहता है जाओ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आज तक हम लोग जमानत भी नहीं कराए। अब बाबा मूल रूप में पुनः विराजमान है। इसी स्थल पर भगवान शंकर ने गजासुर राक्षस का वध किया था और जब उसको त्रिशूल मारा तो लगा भगवान का ध्यान करने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। कम वरदान क्या मांगे, हमारे चमड़े को ही ग्रहण कर लीजिए। तो कृति माने चमड़ा, वास माने ग्रहण किए और उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ आज के बाद तुम मस्तक स्वरूप पूजित होगे। इसीलिए ये भगवान शंकर के मस्तक स्वरूप हैं। मस्जिद केवल ताखा बना के मस्जिद बना लिया गया है, पिलर सब मंदिर का ही है। पिलर ऊपर ऊपर देखिए हाथी का सूर, ऊपर देखिए हाथी का सूर, फिर नाग देवता, फिर अश्व कमल, ये चूना से भर रहे हैं। ये निशानियां हैं कि ये हमारा मंदिर मंदिर है। ये पूरा प्रांगण मंदिर ही है। हाँ, मंदिर है, था, है और रहेगा भी। मामचंद्र मंदिर में जितनी माला की दुकान है सब माला देता है, कोई लाठी डाना, कोई कपूर, कोई धूप, हम किसी चिल्ली के तेल मांग मांग के यहाँ पूजा होता है। यहाँ एक भी घर मुसलमानों का नहीं है। अच्छा, सबसे जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते मुसलमान कहीं और से आते हैं? हाँ, पूरे बनारस से मुसलमान शुक्रवार को जुम्मा को नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। एक ही दरवाजे से आना जाना है जी। ऐसा पूरे बनारस में क्या, पूरे देश में ऐसा सीन नहीं मिलेगा कि एक ही प्रांगण में मंदिर मस्जिद दोनों रन कर रहा है। मस्जिद में नमाज होता है, इधर मंदिर में पूजा पाठ होता है। कभी कभी एक ही दिन ईद भी पड़ जाता है, इधर शिवरात्रि भी पड़ जाता है। हम लोग चेन्नई से आए हैं। आप चेन्नई से आए हुए हैं, जानते थे इस मंदिर के बारे में? नहीं, पहले नहीं जानते, अभी जानते हैं। अच्छा अच्छा, आप ही गाइड भैया लेकर आए? या आपके हम, या जी भैया, आप कुछ बताइए हमें, ये मंदिर हमारा मस्जिद के रूप में तब्दील होता जा रहा है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? इसको तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए जी, एक्शन लेना चाहिए, एकदम एकदम लेना चाहिए। वास्तव में ऐसा मंदिर कहीं पर भी नहीं है, ऐसा मंदिर और मस्जिद एक साइड सामने सामने। अब ऐसे देखेंगी तो लाट पे भी है मस्जिद, लाट भैरव, और बगल में मस्जिद है। हाँ। एकदम अगल बगल सटे हुए है, ओम कालेश्वर टेम्पल वहाँ पे है जी, जी, जी। अलग अलग उस पे सरकार भी, उस पे भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। जहाँ जहाँ भी है वो सरकार एक्शन नहीं ले रही है अभी। तो गाइस बस देरी है आवाज उठाने की, आपको आवाज उठानी है अपने मंदिर के लिए, अपने महादेव के लिए। आप देख सकते हैं किस बुरी हालतों में फंसे हुए हमारे महादेव है, और जिनको जिनको जानकारी इस सावन के महीने में भी यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि इनकी किसी को जानकारी ही नहीं है, इतने फंसे हुए महादेव हमारे। इतना शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी हो, और निकाले महादेव को हमारे इस मस्जिद के सामने से। औरंगजेब ने जो किया वो किया, अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें इन मंदिरों को, अपने महादेव के इन मंदिरों को बाहर निकालना है इन मुश्किलों से। हर हर महादेव आप सभी लोगों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हर वक्त यहाँ पुलिस कांस्टेबल तैनात रहती है सुरक्षा दृष्टिकोण से, कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे वो लोग परमानेंट रहते हैं और पुलिस रक्षक की रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महादेव की जो पूजा पाठ की चीजें वो भी रखी।